हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मददगार अश्विनी आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि जियोग्राफी के मैंने पिछले पार्ट में आपको इनर प्लानट के बारे में पढ़ाया था, तो आज उसी में मैं आगे आपको पढ़ाने का प्रयास, सिखाने का प्रयास करूँगा। तो क्षुद्र ग्रह पेटी पढ़ाऊँगा, उसके बाद जो है आउटर प्लानट जो है वो पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिन्हें आउटर प्लानट बाहरी ग्रह कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है, मैं उनके बारे में आपको आज समझाने का प्रयास करूंगा। तो बिना देरी किए शुरू करता हूं आज का टॉपिक, आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट है ना, तो मैंने पिछले पार्ट में मैंने आपको जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में पढ़ा दिया था। उनसे संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। जिन्हें समझ में नहीं आया हो वो जो पहला पार्ट बनाया है उसको दोबारा देख लें। शुरू करते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट में जो है हम पढ़ेंगे जो है जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। जुपिटर, जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। जुपिटर जो है वो 5वें नंबर का प्लैनेट है ना। पृथ्वी से जब दूरी से पृथ्वी के से जब हम सॉरी पृथ्वी से नहीं सूर्य से सूर्य से जब हम जानने का प्रयास करते हैं, तो सूर्य के बाद आता है बुध, है ना। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद शनि, शनि के बाद जो है अरुण, फिर वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो अभी जुपिटर के बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जुपिटर है ना, जुपिटर, जुपिटर को जो है किस जुपिटर के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। जुपिटर को जो है लार्जेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट यानी जो है बड़ा ग्रह। लार्जेस्ट प्लैनेट यानी सबसे बड़ा ग्रह। मैं साथ में हिंदी में भी लिखता चलूँगा, सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद जो है इसका जो रोटेशन टाइम है, रोटेशन पीरियड, घूर्णन काल, यानी जो अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है वह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। रोटेशन पीरियड यहाँ लिखता हूँ मैं, रोटेशन पीरियड, रोटेशन पीरियड यानी घूर्णन काल, घूर्णन काल, ये जो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, कितने समय में पूरा करता है, इसको कहते हैं घूर्णन काल। तो इसका घूर्णन काल जो है वो 9 घंटे और 55 मिनट है। 9 घंटे 9 आवर्स 55 मिनट्स यानी 55 मिनट। 9 घंटे और 55 मिनट में है जो जुपिटर जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब यह जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तो उसको कहेंगे हम रेगुलेशन पीरियड या रेगुलेशन टाइम, रेगुलेशन पीरियड। ये हो गया एक, ये दो, ये तीसरा हो गया रेगुलेशन पीरियड। रेगुलेशन पीरियड यानी रेगुलेशन पीरियड यानी परिक्रमण काल, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब यह होता है कि जो है जुपिटर सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। तो ये जो है जो है 11.11 पॉइंट और जो है 864
करोड़ 864 करोड़, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो 864 जो है 11.864 ईयर में पूरा करता है, यानी लगभग जो है 12 साल में पूरा करता है। इसमें जो गैसें उपस्थित रहती है उनके बारे में बताता हूँ, इसमें जो है वो कौन कौन सी गैसें उपस्थित रहती हैं उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि इसमें जो है कौन कौन सी गैसें उपस्थित रहती है। तो गैसों की उपस्थिति लिखेंगे, गैसों की उपस्थिति, गैसों की उपस्थिति, तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन है ना, H2O, हीलियम, मैं अभी हिंदी में भी लिख दूंगा, उसके बाद अमोनिया NH3 है ना, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, उसके बाद अमोनिया, अमोनियम, ये गैस जो है इसमें उपस्थित रहती है जुपिटर में है ना। जुपिटर को ही जो है बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति या गुरु है ना, बृहस्पति या गुरु ग्रह भी इसको कहते हैं। इसी को जो है वो मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसके बाद जो है इसके सैटेलाइट जो सबसे ज़्यादा हैं, इसके उपग्रह, इसके उपग्रह के बारे में हम जान लेते हैं कि उपग्रह कितने होते हैं। इसके उपग्रह है जो 92 है, जो सबसे ज़्यादा है, यानी जो 92 है जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है ना, अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है अन्य ग्रहों की तुलना में। अन्य ग्रहों के उपग्रहों की तुलना, की तुलना में, यह कोष्टक बंद कर रहे थे। तो जुपिटर के बारे में मैंने कुछ जो बेसिक जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी को जो है मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी एक छोटा सोलर सिस्टम भी कहते हैं इसको जो है, जुपिटर को एक छोटा सोलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, छोटा सौरमंडल या सोलर सिस्टम, सौरमंडल या सोलर सिस्टम भी कहते हैं। देख इसके जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है जो है, इसके लार्जेस्ट सैटेलाइट एक हिमालय सैटेलाइट है, लार्जेस्ट हिमालय, इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का जो है गैनीमेड। मैं बता रहा, इसके जो दो बड़े उपग्रह हैं उनके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके जो बड़े उपग्रह हैं गैनीमेड है, गैनीमेड, और दूसरा है गैनीमेड और हिमालय,
हिमालया, गैनीमेड और हिमालय के जो है सबसे बड़े उपग्रह हैं, जैसे कि मैंने आपको जुपिटर को जो है सबसे पहले उसका जो लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं यह बताया, उसके बाद उसका रोटेशन पीरियड बताया कि जो 9 घंटे 55 मिनट है, उसके बाद उसका रेवोल्यूशन पीरियड बताया यानी परिक्रमण काल बताया जो लगभग 11.864 साल है, लगभग 12 साल है। इसमें जो गैसें उपस्थित है, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया गैस इसमें उपस्थित रहती है ना, जुपिटर बृहस्पति के अंदर, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसके सैटेलाइटों की संख्या जो 92 है, जो अन्य ग्रहों के उपग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको जो है छोटा सौरमंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके उपग्रहों की संख्या जो सबसे अधिक है, इसी कारण इसको जो है छोटा सौरमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो दो सबसे बड़े उपग्रह हैं उसको गैनीमेड कहते हैं और दूसरा है जो हिमालय सैटेलाइट कहते हैं, है ना। हम जो सैटर्न शनि ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि जिन्हें लिखना होगा मैं उनको थोड़ा सा टाइम और दे देता हूँ। हम शनि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सैटर्न शनि, है ना। सैटर्न शनि यह है जो सौरमंडल का है, जो छठवें नंबर का ग्रह है ना, इसको शनि ग्रह के नाम से जानते हैं। सैटर्न को ही हिंदी में शनि कहते हैं। यह है जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यह सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, जो दूसरा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो मैं साथ में हिंदी में भी लिखता चलता हूँ, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। जो है शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हम जो इसमें जो गैस उपस्थित रहती है, मैं उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। मैं जो गैस है उनके बारे में जानने का मैं समझाने का प्रयास करूँगा, गैसों की उपस्थिति है ना, गैसों की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन ऑफ गैसेस, है ना, इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ गैसेस या प्रेजेंट ऑफ गैस। तो इसमें जो गैस उपस्थित रहती है वह है उसमें उनमें जो गैस है वह CH4 मीथेन, CH4 मीथेन और NH3 यानी अमोनिया, इसमें दो ही गैस उपस्थित रहती है। तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मीथेन और अमोनियम, अमोनिया गैस जो है उपस्थित रहती है। अब मैं जो इनको आपको इसका टेम्परेचर जो है शनि ग्रह का टेम्परेचर तापमान जो कितने डिग्री सेल्सियस रहता है, इसका तापमान जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस रहता है, 180 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। तो अब मैं इस आपको इसका रोटेशन पीरियड घूर्णन काल बताने का प्रयास करूँगा।
तापमान को टेम्परेचर ना, टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका रोटेशन पीरियड बताने का प्रयास करूँगा। रोटेशन पीरियड यानी घूर्णन काल। घूर्णन काल जैसे कि मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि यह जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है उसको इसका घूर्णन काल या रोटेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका घूर्णन काल जो है वो 10 घंटे 40 मिनट है, 10 आवर्स 40 मिनट है। तो मैं हिंदी में मैं लिखूँगा 10 घंटे 40 मिनट, है ना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे 10 आवर्स और 40 मिनट्स। इसके बाद जो है इसका रेवोल्यूशन पीरियड मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। रेवोल्यूशन पीरियड या रेवोल्यूशन टाइम, इसका जो है परिक्रमण काल। जैसे कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि परिक्रमण काल का मतलब यह होता है कि जो शनि है वह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है उसे इसका रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड या घूर्णन या परिक्रमण काल कहेंगे। तो इसका रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो 29.5 वर्ष है, यानी 29.5 वर्ष 29.5 ईयर या 29.5 वर्ष, है ना, 29.5 वर्ष है। और इसके ऊपर जो है शनि ग्रह के ऊपर, शनि ग्रह ऐसे होता है, मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ, ऐसा होता है। ऐसे कुछ रिंगें पाई जाती है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके शनि ग्रह के ऊपर ऐसे रिंग पाई जाती है। तो इंग्लिश में लिखेंगे तो रिंग लिखेंगे, है ना, रिंग। हिंदी में बलय, रिंग बलय, है ना। इसके ऊपर ऐसे कुछ रिंग पाई जाती है शनि ग्रह के ऊपर। तो इनकी संख्या जो है वो कितनी है, जिन्हें पता है वो कमेंट करके बताएं कितनी संख्या इनकी, इसके ऊपर शनि ग्रह के ऊपर जो रिंग पाई जाती है, बलय पाए जाते हैं, उनकी कितनी संख्या है। तो इतनी इनकी संख्या है जो 7 हैं, शनि ग्रह के ऊपर 7 बलय ऐसे रिंग पाए जाते हैं। इसके बाद शनि ग्रह के जो सैटेलाइट है, उपग्रह लिख देता हूँ, उपग्रह सैटेलाइट। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कितने सैटेलाइट हैं, जिन्हें पता है वो कमेंट करके बताने का प्रयास करें। तो इसके शनि ग्रह के जो उपग्रह है वो 82 है, 82 82 है। और जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक ऐसे पॉइंट बना के, टाइटन सबसे बड़ा, टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जिन्हें नोट करना है मैं उन्हें थोड़ा टाइम दूंगा, वो नोट कर ले। जो जुपिटर है और मंगल के बीच में जो एक क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, है ना। इधर के शुरू के जो 4 ग्रह हो गए अपने, 1 2 3 4 और इधर के 4, 1 2 3 4, इनके बीच में एक ऐसी क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। वो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, तो यहाँ बता दूँ, इसको जो एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं या क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। तो कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह पेटी है वह किन दो ग्रहों के बीच है।
तो यह इधर हो गया अपना मंगल, है ना, ये वाला हो गया मार्स मंगल, यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला हो गया मार्स मंगल और ये हो गया जुपिटर। जुपिटर है ना बृहस्पति, इन दो ग्रहों के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट्स पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हम जो दो ग्रह बचे हैं उनके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। शनि के बाद जो है हम यूरेनस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण, अरुण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो है सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है, सातवें नंबर, है ना। सूर्य के बाद वही सबसे पहले बुध आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर जो है शनि आएगा, फिर जो है यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। तो यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। यूरेनस को जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट यानी थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो गैसें उपस्थित रहती हैं उनके बारे में बता देता हूँ। गैसों की उपस्थिति की जो है यूरेनस अरुण क्या अंदर कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, गैसों की उपस्थिति तो इसमें जो है मीथेन, वही CH4 और इसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस H2O, हाइड्रोजन गैस हो गया मीथेन, है ना, CH4 हाइड्रोजन हो गया H2O, ये गैस इसमें उपस्थित रहती है। अब मैं आपको इसका रेगुलेशन पीरियड बताऊंगा। रेगुलेशन पीरियड पीरियड यानी परिक्रमण काल, जिन्हें जो है यूरेनस का परिक्रमण काल पता हो वह कमेंट करके बताने का प्रयास करें। इसका रेगुलेशन पीरियड जो है वो 84 ईयर्स यानी 84 साल। यूरेनस है जो अरुण जो है सूर्य का एक चक्कर जो है 84 साल में पूरा करता है, 84 साल में पूरा करता है। इसका जो रोटेशन पीरियड बताने का प्रयास करूँगा मैं आपको। देखिए जिन्हें नोट करना है वो नोट करते चलें, क्योंकि फिर मैं जब आगे ग्रह के बारे में समझाऊंगा तो इसको मिटाना पड़ता है मुझे, इसलिए आप भी साथ साथ नोट करते चले। रोटेशन पीरियड यानी घूर्णन काल, यानी यह जो अपने अक्ष के पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं। सभी ग्रह जो है वो दो प्रकार से जो है चक्कर लगाते हैं, एक तो खुद के अक्ष पे घूमते हैं और साथ ही सूरज का भी चक्कर लगाते हैं।
तो इसका रोटेशन पीरियड जो है वो 17 घंटे हैं, 17 आवर्स, है ना, 17 आवर्स 17 घंटे, 17 घंटे इसका घूर्णन काल जो है 17 घंटे है। और जो है इसकी खोज जो है डिस्कवरी, है ना, डिस्कवरी कहें खोज कहें, दोनों लिख देता हूँ, डिस्कवर बाय, है ना, खोजकर्ता, जो यूरेनस की खोज जो है लेवेरियर ने की थी, लेवेरियर ने की थी, कौन से सन ने की थी जिन लोगों को पता है वो कमेंट करने का प्रयास करें, है ना। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि जो है यूरेनस की खोज लेवेरियर ने कौन से सन में की थी, आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। अब जो है एक ग्रह और बचा है उसके बारे में मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जिन्हें नोट करना होगा उन्होंने कर लिया होगा। यूरेनस के बाद जो आता है नेपच्यून, नेपच्यून यानी वरुण, वरुण तो जो वरुण को जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं, है ना, सौरमंडल का सौरमंडल फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, 16 सिस्टम्स फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट यानी सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद जो है इसका रेगुलेशन पीरियड, रेगुलेशन पीरियड यानि परिक्रमण काल, परिक्रमण जिन्हें भी नेपच्यून वरुण का परिक्रमण काल पता हो और कमेंट करके बताने का प्रयास करें। तो इसका परिक्रमण काल जो है वो 164 वर्ष है, 164 ईयर्स या 164 वर्ष। यहाँ जो है सूर्य का एक चक्कर 164 वर्ष में पूरा करता है। इसका रोटेशन पीरियड जो है घूर्णन काल, रोटेशन पीरियड घूर्णन काल का घूर्णन काल कितना है इन्हें पता है वह कमेंट करके बताने का प्रयास करें। इसका घूर्णन काल जो है वो 16 घंटे है, 16 आवर्स 16 घंटे। इसका जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है उपग्रह, नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह लार्जेस्ट सैटेलाइट, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी लिखते चले, लार्जेस्ट सैटेलाइट इज टाइट्रन, टाइट्रन
सबसे बड़ा उपग्रह जो है ट्राइट्रॉन, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। ट्राइट्रॉन जो है वो नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब नेपच्यून ग्रह की खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता डिस्कवर बाय, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लें डिस्कवर बाय, तो इसके डिस्कवर जो है वो विलियम हार्सेले हैं। इसके डिस्कवर है डिस्कवर बाय जो है विलियम हार्सेले हैं, यानी खोजकर्ता है जो विलियम हार्सेले। इसकी खोज जो है इन्होंने 1781 में की थी। नेपच्यून ग्रह की खोज जो है वो विलियम हार्सेले ने 1781 में की थी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको आउटर प्लैनेट के बाहरी ग्रहों के बारे में समझाने का प्रयास किया समझ में आया होगा। जिन्हें मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।